दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दूरसंचार कंपनियां वीआई, एयरटेल और जियो ने 5G सर्विसेज के लॉन्च के लिए सरकार से ई और वी बैंड स्पेक्ट्रम के नीलामी की मांग की है, ताकि दूरसंचार कंपनियों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। साथ ही साथ दूरसंचार कंपनियों ने सरकार को इन स्पेक्ट्रम बैंड को लाइसेंस मुक्त बनाने या इसके प्रशासकीय आवंटन को लेकर भी कोई निर्णय करने के प्रति चेताया है। दूरसंचार कंपनियों का कहना है कि ई और वी बैंड को लाइसेंस मुक्त करना मौजूदा नीतिगत ढांचे का उल्लंघन होगा। अगर ई और वी बैंड को लाइसेंस मुक्त किया जाता है तो यह लाइसेंस धारक दूरसंचार कंपनियों के लिए आसमान प्रतिस्पर्धा क्षेत्र का निर्माण करेगा और इससे सरकार को भी रेवेन्यू की हानि होगी। दूरसंचार कंपनियों ने आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद को लिखे एक पत्र में उनसे आग्रह किया है कि पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के रास्ते तत्काल इन बैंड के स्पेक्ट्रम की आवंटन की जाए। टेलीकॉम कंपनियों का मानना है कि देश में 5G सर्विसेज के लॉन्च के लिए यह बहुत ही मूल्यवान स्पेक्ट्रम बैंड है। साथ ही ये बैंड मोबाइल ब्रॉडबैंड के लिए बैकहॉलिंग की अहम कड़ी है। जानकारी के लिए बता दें कि रेडियो तरंगों का उपयोग मोबाइल फोन को सिग्नल पहुंचाने में किया जाता है। इनको आमतौर पर स्पेक्ट्रम तक पहुंच उपलब्ध कराना कहते हैं। वहीं बैकहॉल स्पेक्ट्रम मोबाइल टावरों के बीच सिग्नल स्थापित करने में काम आता है। इस मुद्दे पर बयान देते हुए सभी दूरसंचार ऑपरेटर्स का प्रतिनिधित्व कर रहे COAI का कहना है कि हाई कमर्शियल प्राइस वाले ई और वी बैंड को लाइसेंस मुक्त करने या प्रशासकीय आवंटन करने का कोई भी निर्णय 5G टेक्नोलॉजी की दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होगा। यह स्पेक्ट्रम आवंटन की मौजूदा नीतिगत ढांचे का उल्लंघन होगा, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। यह न्यायालय की अवमानना होगी। अगर ई और वी बैंड को डी लाइसेंस यानी कि लाइसेंस मुक्त किया जाता है तो यह दूरसंचार कंपनियों के लिए असमान प्रतिस्पर्धा क्षेत्र का निर्माण करेगा। यह इन बैंड के प्रभावी उपयोग की गारंटी नहीं देगा और इससे सरकार को रेवेन्यू की भी हानि होगी। आपको बता दें कि ई बैंड के तहत 71 से 76 गीगाहर्ट्ज और 81 से 86 गीगाहर्ट्ज रेडियो तरंगे आती है। वहीं वी बैंड के तहत 57 से 64 गीगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगे होती हैं। यह तरंगे उच्च गति के इंटरनेट को भेजने में सक्षम होती हैं और इन बैंड्स का उपयोग 5G टेक्नोलॉजी के लिए किया जाता है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। फॉर द लेटेस्ट टेलीकॉम न्यूज सब्सक्राइब टू दिस चैनल नाउ।